किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों पटेल एग्रो फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये कोलक 16202 गन्ना वैरायटी है। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी के नाम से जानी जाती है जो हमारी लखनऊ शोध संस्थान ने इसे ईजाद किया था। किसान भाइयों इसमें मुख्यतः आप लोगों ने सुना होगा कि इस गन्ने में जो हमारी आँख होती है वह डबल होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखाइए यहाँ पर ये डबल आँख होती है और बहुत सी आंखों में कट सा लगा रहता है 20 से। देखिए डबल आंख है इसमें और यहाँ पे भी कई आंखें आपको डबल आंख देखने को मिल जाएंगी। दिखाना है यहाँ पर डबल और ट्रिपल आंख तक है। उसके बाद से जो है कट सा लगा रहता है। किसान भाइयों ये गन्ना जो है हमारा लगभग 0.38 के बराबर पैदावार देने में के बराबर है। किसान भाइयों इसकी मोटाई और लंबाई लगभग 0.238 गन्ने के ही बराबर देखने को मिली है अभी तक। किसान भाइयों इसके अलावा इसका जो रंग होता है वो पीला टाइप होता है, 80% पीले टाइप का रंग होता है, कलर पीले टाइप का होता है। उसके बाद से बहुत हल्का सा सफ़ेद 10% और 5% जो है इसमें रेड टाइप का होता है। हल्के से जहाँ पर रेड टाइप का होता है वहाँ पर हल्के से बहुत रेने टाइप के होते हैं। इस प्रकार की इसको हम आप लोग पहचान कर सकते हैं। इस प्रजाति जो पैदावार देने में 38 के ही बराबर है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इस प्रजाति में देखने को मिली हैं। किसान भाई जब भी हम इस गन्ने की पत्ती छिटाते हैं तब ये हमारा गन्ना जो है बिल्कुल पीले टाइप का दिखेगा, ये इसकी मुख्यतः पहचान है। इसके अलावा किसान भाइयों इस गन्ने में हल्का सा चपटा टाइप का भी होता है, जैसा हमारा 35 में देखा गया था। यहाँ पे जब पकड़ेंगे तो हल्का सा चपटापन भी देखने को मिलता है। इसकी मोटाई जो मध्यम टाइप की मोटाई है लेकिन 38 के बराबर इसकी मोटाई है। प्रोडक्शन भी 38 से ज़्यादा है, रिकवरी भी 38 से ज़्यादा है और ये वैरायटी अभी तक के तौर पर ये देखी जा रही है, बहुत सफल वैरायटी के तौर पर देखी जा रही है। किसान भाइयों इसका जो नोट आप देख सकते हैं इसके नोट बहुत ज़्यादा लंबाई में होता है, जैसा कि हमारा 38 का था। फिलहाल नोट की लंबाई तो हमारी 18231 की भी काफ़ी है लेकिन इसके नोट की लंबाई इसकी भी काफ़ी अच्छी होती है। और हमारा लोलैंड एरिया का गन्ना है जो यहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है, वहाँ पे गन्ना अभी तक सबसे ज़्यादा सफल होते हुए देखा गया। किसान भाइयों जो आज हमारा यहाँ पर जो गन्ना लगे जाते हैं उसका हम 20 शोधित भी कर रहे हैं, जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा और जो है इसमें थोड़ा यूरिया का घोल बना लिया था, जिससे सुक्रोज जो हमारा होता है वो ब्रेक हो जाए, जिससे हमारा जमाव आसानी से हो सके और अच्छा जमाव आ सके। किसान भाइयों बहुत से गन्ने की मिटाई इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगी। इसका ऊपर का छक्कल भी बहुत हार्ड होता है और कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन लगभग जो है 1 हेक्टेयर में 1000 क्विंटल से ऊपर का ही देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि 18231 और 16202 एक ऐसी वैरायटियाँ हैं दोनों, ये हमारे काश्तकार भाइयों को 38 का विकल्प देने में मुख्य भूमिका निभाने का। किसान भाइयों 16202 कोलक 16202 वैरायटी का बीज जिस किसी भाई को कहीं पर भी मिले, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बीज बिल्कुल ओरिजिनल ही होना चाहिए, क्योंकि 16202 वैरायटी कैसी वैरायटी है इसके वैरायटी से मिलती जुलती दो वैरायटियां हैं जिनका मार्केट में बैठे कुछ बीज माफिया लोग हमारे सीधे साधे भोले किसानों को इस वैरायटी का बीज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसान भाइयों की कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है, बस उन्हें अपना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। किसान भाइयों जिस किसान भाई को 16202 वैरायटी का बीज अगर ओरिजिनल कहीं पर मिलता है अच्छे से जान पर रख लें, उसके बाद से 16202 वैरायटी को अपने खेत में ज़रूर लगाएं, चाहे थोड़ी लगाएं लेकिन ज़रूर लगाएं काश्तकार भाइयों, क्योंकि ये वैरायटी आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देगी और 14201-14235 के बाद ये वैरायटी ही एक ऐसी वैरायटी है। इसके अलावा 18231 एक ऐसी वैरायटी है, मतलब कह सकते हैं 16202 और 18231 दोनों वैरायटियाँ बहुत अच्छा
प्रोडक्शन देने वाली हैं हेक्टर में 1000 क्विंटल से ऊपर का, और ये सफल के तौर पे देखी जाएंगी क्योंकि 14201 और 14235 दोनों वैरायटियों से हमारे काश्तकार भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक के अंदर लंबाई बढ़ने की समस्या है तो दूसरे के अंदर जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, उसकी आंखों में जमाव आ जाता है, इसलिए हमारे काश्तकार भाई उन वैरायटियों से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। किसान भाइयों, इन वैरायटियों को जरूर लगाएं, बट इतना ध्यान रखना सीड ओरिजिनल ही मिले तभी लगाएं। धन्यवाद।